हे वेलकम टू यू ऑल एंड गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आप अभी देखेंगे कि सबसे चीप ट्रैवल हम लोग कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं मेरे सामने एक विंडोज खुला हुआ है जिससे मैं गूगल खोल के इधर बैठा हूँ। और गूगल पे भी मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं फ्लाइट का रेट देखने वाला हूँ। तो अभी मुझे क्या करना है कि फ्लाइट बुक करना है। तो नॉर्मल तो साइट बहुत सारे हैं, बट मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले फ्लाइट बुकिंग खोल लेता हूँ, देखता हूँ कौन सा साइट मुझे शो करता है। तो booking.com है। तो चलिए फिर हम लोग इसी को लेकर चलते हैं और अभी देखते हैं हम लोग कि इसमें कैसे और कितने फेयर में कहाँ पहुँच सकते हैं। तो गाइज, आपको जहाँ जिस लोकेशन का भी ट्रैवलिंग चाहिए होगा आप मुझे कमेंट करो, मैं उसका स्पेशल वीडियो आपके ट्रैवलिंग डेट से पहले बनाकर डालूंगा। आप लोग को हर एक नया अपडेट दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग टिकट काट लेते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि मिनिमम फेयर में टिकट कैसे काट सकते हैं। तो मैं भी वही आपको बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने ऐसा कुछ टैब ओपन हुआ है और मैं अभी दिखाने वाला हूँ, क्योंकि अभी अंडमान की मैं बात करूँ तो अंडमान में थोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने की वजह से डेली फ्लाइट अवेलेबल नहीं है। तो मैं अभी वहीं की बात करता हूँ। वेयर आर यू गोइंग? तो ठीक है भाई, मैं सभी सारा डिटेल्स देता हूँ कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। तो सीधा सीधी इधर देख लेते हैं कि क्या क्या मांग रहा है, क्या क्या नहीं मांग रहा है, क्योंकि फ्लाइट वगैरह तो है इधर, लेकिन ये साइट, हाँ फ्लाइट ठीक है, खुल जा भाई। अब इसे मैं वन वे करता हूँ, क्योंकि मैं रिटर्निंग का टिकट देखने वाला हूँ। गाइस, जाने के लिए तो बहुत सस्ता टिकट मिल जाता है, बट रिटर्निंग का मैं बात करूँ कि अगर आप मान लो कि सीसीयू से जा रहे हो, नहीं चेन्नई से मैं मारता हूँ, माय एयरपोर्ट, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ठीक है। यहाँ से मैं जा रहा हूँ कहाँ, IXZ मैं जा रहा हूँ गाइस, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और वो भी जा रहा हूँ मैं, रिसेंट डेट देखता हूँ, क्योंकि 5-6 तक इधर फ्लाइट है नहीं, आज 29 के आसपास हो ही गया है। तो यहाँ जून का दिखा रहा है, मुझे मई का देखना है। तो मैं मई में चलता हूँ, एग्जैक्टली हम लोग 11 को ही देख लेते हैं, 11 को क्या फ्लाइट है। तो हम लोग इसको पहले सर्च करते हैं। तो गाइज देख सकते हैं, लुकआउट फॉर फ्लेक्सिबल टिकट ऑप्शन, अभी यहाँ पे एक ऑप्शन ढूंढा जा रहा है। और आप देख सकते हैं हमारी जो टिकट आई है वो ये क्या भाई, 8,289 रुपीज़, 9,362 रुपीज़, ऐसा कुछ फ्लाइट का फेयर आ रहा है गाइज। तो मैं अभी इसी चीज़ को क्या करने वाला हूँ कि अलग अलग साइट पे चेक करने वाला हूँ, क्योंकि हर एक साइट का अपना अपना प्राइस टैग होता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं टाइम बताने के लिए मैंने यहाँ पे अलग अलग टैब खोल रखा है, ताकि आप लोग को डिस्टर्बेंस ना हो, जल्दी से हम वीडियो में बता सके कम प्राइस में कैसे हम लोग टिकट बुक कर सकते हैं। तो एक है बुक फ्लाइट, यहाँ मैंने खोल रखा था। तो यहाँ मैं एक देख लेता हूँ कि यहाँ 11 तारीख का डेट में कौन सा फ्लाइट और कितने में है। तो हम लोग फट से बस टाइप करते हैं चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये हो गया IXZ। व्हाट प्लेयर डेट हम लोग सेम चूज करेंगे, क्योंकि हमारा वन वे का फ्लाइट है और डेट हमने वहाँ पे लिया था 11। तो गाइस यहाँ से 7500 का टिकट मुझे शो कर रहा है अभी। अगर आपके पास कोटा वगैरह है, डिफेंस वगैरह से बिलोंग करते हैं, तो आपको आईडी कार्ड वगैरह चाहिए होगा, स्टूडेंट कार्ड चाहिए होगा, वहाँ से भी आप टिकट का प्राइस कम कर सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं गाइस, जब यहाँ पे मुझे 6800 में यहाँ टिकट दिख रहा है, 6810 रुपीज में, जो कि 8:20 का मॉर्निंग में चेन्नई से 10:30 को पोर्ट ब्लेयर में पहुंचाएगा। तो गाइस देख सकते हैं, मैंने इस वाले साइड पे चेक करा था, तो यहाँ मिनिमम भी जाया था 8200 का आसपास, 8289। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे मिल रहा है 6810 रुपीज में। अब यही टिकट मैं चेक करने वाला हूँ फ्लाइट, ये देखता हूँ यात्रा पे क्या भाई, वन वे में जा रहा हूँ और चेन्नई से जाने वाला हूँ ना, तो फिर से मैं सेम चीज़ यहाँ डालूंगा, ताकि अपने को पता चले कि कितना प्राइस फ्लक्चुएट करता है और कैसे कैसे लोग बुक कर सकते हैं। 11 में का ठीक है, हम लोग सर्च फ्लाइट करते हैं गाइस। तो जैसे सर्च फ्लाइट मैंने किया, आप देख सकते हैं हमारे सामने ये नया विंडो स्क्रीन खुल रहा है और यहाँ पे 7500 का टिकट दिखा रहा है। इस वाले में देखिए सबसे लोएस्ट में अभी दिखाऊँ 6800 का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है 7500 का लोएस्ट। एक और है गोबीगो का साइट, तो गोबीगो का साइट पे हम लोग भी देख लेते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा साइट चेक करोगे आपको टिकट का प्राइस उतना फ्लक्चुएशन के साथ मिलेगा, क्योंकि हर साइट का अपना अपना प्राइस डिसाइड होता है। तो इसका भी मैं देख लेता हूँ ठीक है, पॉट प्लेयर ही जाएंगे भाई, 11 मई को ही जाएंगे, एडल्ट वन रहेंगे, डन है। मतलब फ्लाइट को सर्च करते हैं, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो आया है वो 7500 का फ्लाइट आया है। इसमें भी आप कूपन वगैरह लगा सकते हैं, 2225 के आसपास मिलेगा, तो 7200 के आसपास पड़ेगा। तो इससे तो हम लोग अभी नहीं देखेंगे फ्लाइट, 12% ऑफ, अभी देखेंगे आगे क्या मिलता है। मैं देखने वाला हूँ सबसे चीप फ्लाइट का, चीप रेट का फ्लाइट। तो लास्ट बचता है गाइज मेक माई ट्रिप, जिसे लोग बहुत सारा यूज करते हैं, और सबसे ज़्यादा यूज करने वाला साइट मुझे लगता है कि यही है,
तो मैं भी मेक माई ट्रिप कहीं देख लेता हूँ। ये तो था बुकिंग चिपना। हाँ ठीक है, मेक माई ट्रिप 11/11 ट्रेवल वन सर्च फ्लाइट। सो भाई मेक माई ट्रिप का भी जो आया हो, देख सकते हैं 7500 का टिकट आया है इंडिगो का, 4:55 का टाइमिंग है मॉर्निंग में, और 7:10 का पोर्ट ब्लेयर है। तो आपने देखा मिनिमम प्राइस अभी तक आपको दिखा होगा 6810 रुपीज़, एंड मैक्सिमम दिखा होगा 8200 के आसपास जो आप यहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। तो गाइज एक और साइट है मेरे पास अभी, उसे मैं खोलता हूँ और इसमें देखते हैं कि क्या प्राइस रेट मुझे मिल रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बेस्ट होना चाहिए। एक्सीगो का है, एक्सीगो। ठीक है भाई, सर्च कर लो। और कुछ इसी तरीके से ये पेज भी खुल रहा है, और यहाँ भी जो प्राइस का टिकट आपको दिख रहा होगा, यहाँ 7500 के समथिंग है। बट गाइज मैं जो खोल रहा था वो ये पेज नहीं होना चाहिए, कि 7500 था ना। ये वाला मैं चेक करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे और कम प्राइस में टिकट मिलने वाला है, तो मैं ये भी देख लेता हूँ। जी पार्चर रहेगा 11 का है, रिटर्निंग नहीं चाहिए भाई, वन में चाहिए टिकट मेरे को, तो 8 नहीं 11 ले लो भाई। चलो ठीक है, डन, वन एडल्ट। सो गाइस फाइनल प्राइस जो आया है वो सबसे मिनिमम प्राइस है 6928 रुपीज़। तो मुझे मैंने सबसे पहले जो चेक करा था बीच में, 6810 रुपीज़ यहाँ भी पड़ा था, और यहाँ भी मुझे पड़ रहा है 6900। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि वो फर्स्ट को ही चूज करता हूँ, आगे देखता हूँ कि मुझे क्या कूपन वगैरह कुछ प्रोवाइड किया जाता है या नहीं। तो इस माई ट्रिप को ही मैंने सेलेक्ट किया, क्योंकि सबसे बेस्ट प्राइस मुझे भी यही ऑफर कर रहा है, चेन्नई से अंडमान पोर्ट ब्लेयर के लिए फ्लाइट। और देखते हैं कि इसमें मुझे सबसे कम प्राइस कितना पड़ता है गाइज, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान देना होगा। 0 कमीशन से कॉन्ग्रेचुलेशन, इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफ आर 1150 रुपीज़ हैज बिन अप्लाइड सक्सेसफुली। तो गाइज डिस्काउंट के बाद मुझे ये पड़ा है, अभी फाइनली मैं इन्फॉर्मेशन वगैरह अगर दूंगा तो उसके बाद कार्ड डिटेल्स वगैरह मांगेगा, और जो फाइनल पेमेंट मैं करूंगा ये 6928 रुपीज़ करूंगा। इससे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं यात्रा पेपर चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे मुझे क्या क्या कूपन मिलने वाला और कितना डिस्काउंट मिलने वाला। तो मैं क्या करता हूँ कि 7514 इसे में बुक करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा अपने पास लगेज वगैरह कुछ नहीं है, चेन सीट नहीं करना है, डेट मेरा फिक्स है। और 75 यहाँ पे पड़ रहा है, मैक्सिमम डिस्काउंट हम ले सकते हैं अमेजन, ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड अगर हमारे पास है तो। यहाँ पे मुझे 6622 रुपीज़ पड़ रहा है गाइस, देख सकते हैं सबसे बेस्ट ऑफर मुझे अभी यही लग रहा है, क्योंकि 6622 रुपीज़ सबसे लोअर प्राइस है, मैक्सिमम 69 के आसपास आया था। और यहाँ पे था फेडरल बैंक का क्रेडिट कार्ड, अगर आपके पास है तो आप इससे भी कम में ट्रैवल कर सकते हैं, लाइक 6300 में। और इससे ज़्यादा कूपन तो इधर अवेलेबल है नहीं, क्योंकि मैक्सिमम मैक्सिमम वही था ना कास्ट EMI। ठीक है ठीक है ठीक है, इधर का जो ऐसा कुछ नहीं था। तो आप चाहें तो इस जर्नी को, अगर आपके पास ऐसी एक क्रेडिट कार्ड है तो आप 6400 में कवर कर सकते हैं, अगर कार्ड आपके पास नहीं है तो फिर नॉर्मल से आप अप्लाई कर दो। लेकिन ये भी तो ICICI कार्ड का है, फेडरल बैंक का था उतना, ये जाएगा 6600 के अप्रॉक्स। और नॉर्मल देखने पर देख सकते हैं गाइस वैसा कुछ कूपन है नहीं, वही 489 के आसपास आपको मिलेगा, और उससे ज़्यादा ऑफर इधर नहीं मिल पाया। तो गाइज ऐसे कुछ यहाँ पे टिकट जो है फ्लाइट का वो ऊपर नीचे होता जा रहा था। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें इससे भी मैं नहीं छोड़ता हूँ, एक बार बुक करके देख लेता हूँ कि सबसे बेस्ट डील मुझे कहाँ मिलने वाला है। 1000 रुपया डिस्काउंट HDFC EMI पे है, तो मैं EMI तो करूंगा नहीं, बट एक बार चेक कर रहा था। कॉन्ग्रेचुलेशन, प्रोमो कोड डिस्काउंट ऑफ इतना अप्लाइड सक्सेसफुली ना, पे योर HDFC बैंक इज EMI टू रिसीव डिस्काउंट। ओके, तो ये कार्ड मुझे 6500 का पड़ रहा है, ICICI कार्ड से सीधा मुझे 66 का पड़ रहा था। तो डिस्काउंट वगैरह लगा कर ऐसा कुछ यहाँ सीन चल रहा है। मेक माई ट्रिप का भी आपने देखा अभी, मेक माई ट्रिप यात्रा यात्रा का मैंने चेक कर रहा था, एक बार मैं मेक माई ट्रिप का चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मेक माई ट्रिप का भी ऑफर हमेशा रहता ही है। तो मैं इसे बुक करता हूँ अभी, और इसमें 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 कूपन वगैरह, कूपन मैक्सिमम दिखा रहा कितना, यू दिस गेट इतना इतना इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफ योर फ्लाइट बुकिंग यूज इन वन कार्ड। वन कार्ड तो अपने पास है नहीं गाइस, यस बैंक क्रेडिट कार्ड भी नहीं है,
और आरबीएल का क्रेडिट कार्ड से कितना है, 900। आरबीएल का क्रेडिट कार्ड हालांकि मैंने अप्लाई कर रखा है अभी, और आईडीबीआई भी नहीं, अगर मस्त तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट इसी से आपको मिल रहा था। आप देख सकते हैं इसे लगाने के बाद सबसे बेहतर डील हो सकता था 6300 में, और उसके बाद HDFC का कार्ड था इधर, तो HDFC EMI में कन्वर्ट नहीं करूँगा नहीं, तो ये भी एक बेहतर डील था 6500 में, ऑफ सीजन प्राइस टिकट का जाता है, और यहाँ आपको ये अभी मिल रहा है। तो गाइस अगर आप चाहो तो ये टिकट नॉर्मल 6 से 7000 में इजिली वे में बुक कर सकते हो पर पर्सन, ज़्यादा कास्टली नहीं है क्योंकि अंडमान जैसा प्लेस है उस हिसाब से यहाँ तो फ्लाइट का टिकट और कोई कभी 70,000-80,000 चला जाता है, तो उस हिसाब से गाइस सबसे बेस्ट डील यही लगा मुझे। अगर आप लोग चाहो तो 6 से 7000 तक ट्राई कर सकते हो टिकट कुछ इस तरीके से। तो गाइस इस ब्लॉग में यहीं तक, आप लोग को अगली लोकेशन की जहाँ की जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा आप मुझे कमेंट करो, मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे बेस्ट डील आप लोग कहाँ से ले सकते हो सबसे कम प्राइस में।